ISPL T10 लीग, जिसे आप इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के नाम पर भी जानते हैं, जो स्ट्रीट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप टेनिस क्रिकेट का IPL भी कर सकते हैं। उसके बारे में हमने 3 वीडियो तो बनाया ही है, लेकिन देख रहे हैं काफ़ी फर्जी और फेक वीडियोस चल रहे हैं, तो हमने सोचा है कि एक वीडियो बनाकर पूरा क्लैरिफाई कर दें कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग है क्या, ये फेक तो नहीं है। क्योंकि जैसे पहले ही हमने काफ़ी वीडियो बनाया है कि जो फेक लीग है उसके खिलाफ मेरा एक अभियान है कि इसमें कोई भी खिलाड़ी फंसने ना पाए। तो इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या ISPL फेक है या नहीं है। और सबसे ज़्यादा डाउट ये है खिलाड़ियों के मन में, क्योंकि काफ़ी वीडियो हमने भी देखा कि यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं कि जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग है ISPL है, वो BCCI करा रहा है, और कुछ खिलाड़ियों के पास आ रही है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दिक्कत। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग है क्या और क्यों इसे BCCI के साथ जोड़ा जा रहा है, कि किसको BCCI कराया रहेगी, इस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। बेसिकली आपको पता ही होगा कि लेदर बॉल से ज़्यादा खेलने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है टेनिस बॉल की, क्योंकि टेनिस बॉल से इजीली आपको पास अच्छा ग्राउंड नहीं है तब भी आप 10-5 लोगों के साथ खेल सकते हो, तो टेनिस क्रिकेटर की संख्या ज़्यादा है। अभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, या टेनिस क्रिकेट को उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, तो टेनिस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ISPL एक लीग है। और सबसे ज़्यादा डाउट इसमें इसलिए क्रिएट हो रहा है कि ये BCCI करा रही है। तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो ISPL है वो BCCI नहीं करा रहा है। और क्यों डाउट क्लियर हो रहा है कि ये BCCI करा रहा है, देखिए जो 3 बड़े नाम जुड़े हैं वो BCCI से प्रेजेंट में रिलेट करते हैं। पहला नाम जुड़ा है जो आशीष सेलर जी हैं, करेंट BCCI ट्रेजर हैं, वो इसकी कोर कमेटी में है, तो इसलिए। और दूसरे हैं अमोल काले, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी ISPL T10 लीग के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कोर कमेटी में है। और तीसरे हैं रवि शास्त्री जो भारत के कोच थे। तो ये डाउट क्रिएट होगा ही कि इसको BCCI करा रहा है, लेकिन इसको BCCI नहीं करा रहा है। ये 3 लोग इनके कोर कमेटी से जुड़े हैं, लेकिन इससे BCCI का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे भी या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वीडियो ये देख रहे हैं कि इसको BCCI करा रहा है, तो अपने माइंड में ये डाउट निकाल दीजिए, इसको BCCI करा रहा है। और आपके मन में ये भी डाउट होता होगा, क्या इसकी परफॉर्मेंस आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में गिनी जाएगी या काउंट की जाएगी, तो नहीं काउंट की जाएगी, क्योंकि ये टेनिस बॉल का क्रिकेट है और लेदर बॉल का क्रिकेट अलग है। हाँ, इसके बेनिफिट्स हैं कुछ, और उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। और दूसरा ये आपके मन में डाउट है कि ये फेक है या नहीं है। देखिए, हमने पहले ही बता दिया 3 बड़े नाम जुड़े हैं BCCI के, तो ये फेक होने के इसके चांसेस कम है या ना के बराबर हैं, क्योंकि इसकी जो 3 फ्रेंचाइजीज हैं उसमें भी 3 बड़ा नाम जुड़ चुका है, ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का। ये 3 फिल्म स्टार हैं, आप भी जानते हैं सुपरस्टार हैं, फिल्म स्टार नहीं हम कह सकते हैं, सुपरस्टार हैं। तो ये 3 फ्रेंचाइजी ले ली हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो और हम बात करेंगे किस फॉर्मेट पे और कैसे खेला जाएगा ISPL T10 लीग। देखिए, हमने 3 वीडियो इसमें पहले ही बनाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं वही क्लैरिफाई करूंगा। देखिए, टेनिस बॉल क्रिकेटरों के लिए, जो टेनिस बॉल होती है हार्ड टेनिस बॉल, एकदम सॉफ्ट वाली नहीं, जो टेनिस बॉल होती है उससे ये खेला जाएगा, और 10-10 ओवर का होगा। तो पहले तो ट्रायल्स होंगे, तो इसमें हमने क्लैरिफाई किया था कि रजिस्ट्रेशन में पहले वीडियो अपलोडिंग होता था, लेकिन अब विदाउट वीडियो अपलोड करे हुए आप डायरेक्ट खेल सकते हो, ट्रायल दे सकते हो। ट्रायल में सबको मौका मिलेगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 999 रुपये प्लस GST, मतलब 1179 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के लगेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ट्रायल्स पे आपको बुलाया जाए, 6 सिटीज़ दी आपको, में से 1 सिटीज़ चूज़ करनी होगी। पहले ट्रायल्स आपके वहाँ होंगे, आप वहाँ क्वालिफाई करोगे तो आपको मुंबई बुलाया जाएगा, फिर मुंबई से 365 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करके उसमें से शॉर्ट लिस्टेड करके 96 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, और जो 96 खिलाड़ियों में आ जाएगा उसको मिनिमम 3 लाख रुपए मिलेगा, मैक्सिमम 50 लाख तक की आपकी बिट जा सकती है, जैसे आप IPL में देखते हैं मिनिमम 3 लाख और मैक्सिमम 50 लाख। तो कहाँ ये आपको, किस लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी ये लीग, क्योंकि अभी भी अगर आप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास टैलेंट है, तो अगर इसमें आप परफॉर्म करोगे
तो आपके पास पैसा आएगा, और जब आपके पास पैसा आएगा तो आप कहीं भी लेदर बॉल की किसी भी एकेडमी ज्वाइन करके या किसी अच्छी सिटी में 3 लाख रुपए भी आ गए आपके, तो आप आराम से 1-1.5 साल प्रैक्टिस 2 साल कर सकते हो। आप हार्ड बॉल से या लेदर बॉल से भी करियर बना सकते हो। काफ़ी खिलाड़ियों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनका पेमेंट हो जा रहा है, लेकिन उनको फिर दोबारा पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको मैं बता दूं, ISPL की ऑफिशियल जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ भी हमने कांटेक्ट किया। तो जैसे जिनका पेमेंट कट जा रहा है और शो नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप फिर से दोबारा पेमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 24 घंटे बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं, आपका अपडेट हो जाएगा या आपके ईमेल पे कुछ ना कुछ रिप्लाई आ जाएगी। अगर दिक्कत हो रही है तो जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल जहां लिखा रहता है, जैसे अगर आप फ़ोनपे गूगल पे से करते हैं तो वहां एक ऊपर जहां ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहता है वहां UTR नंबर रहता है, उस UTR नंबर के साथ आप उनके हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करोगे तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। दिक्कत रजिस्ट्रेशन में क्यों आ रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब सर्वर पे भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक किसी भी सर्वर की एक क्षमता होती है, जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता होगा ये बात, उस सर्वर से ज़्यादा लोग अगर उस सर्वर पे क्लिक करते हैं तो टेक्निकल इश्यूज आती हैं। क्योंकि ISPL की रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप ही नहीं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से चल रही है, तो उनका सर्वर ज़्यादा बिजी आ रहा है, इसलिए पेमेंट ज़्यादा फेल हो रहा है। जैसे कल से पहले तो पेमेंट परसों काफ़ी ज़्यादा फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने सुधारा, कल से पेमेंट हो भी रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वर बिजी आने के कारण ये छोटी मोटी इशूज़ हो रही हैं। तो आपके पास कोई भी टेक्निकल इशू आया तो उनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहाँ आप उनसे कॉन्टैक्ट करके और अपना इश्यूज बता सकते हैं, वो इश्यूज सॉल्व करेंगे जो भी है ना। आपके क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि ट्रायल्स की डेट कब है। देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन आप 15 जनवरी तक, जैसे पहले 20 दिसंबर था जब रजिस्ट्रेशन की डेट, उसको बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप 15 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद डेट आएंगे। हाँ, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग होगा कब, ये 2 मार्च से 9 मार्च के बीच ये डिसाइड हो गया है, मुंबई में होगा। और 6 सिटी आपको सेलेक्ट करने हैं पहले ट्रायल्स के लिए, जो आपके लिए सूटेबल हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि UP नहीं शो कर रहा है, MP नहीं शो कर रहा है, या बहुत सी ऐसी स्टेट हैं वहाँ की कोई सिटी नहीं शो कर रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो सिटी शो कर रही हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। जो सिटी आप 6 सिटी जो दिख रही है, जो नियर बाई है, जहाँ आप पहुँच सकते हैं ईजिली फर्स्ट फेज के ट्रायल्स के लिए, वहाँ आप ट्रायल्स दीजिए। और आपके क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि क्या आने जाने का खर्चा ISPL देगा। नहीं, जब तक आप शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों 96 में नहीं आएंगे, ISPL आप एक भी रुपया आपको नहीं देगा। और मेरी एडवाइस ये होगी, अगर आप मुझसे भी ओपिनियन पूछ रहे हैं क्या इसके कोई बेनिफिट्स हैं, देखिए अगर आपके अंदर लगता है कि आप टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी हो, पिछली वीडियोज में भी मैंने ये कहा था, इस वीडियोज में मैं बना रहा हूं, तो आपको मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप टेनिस क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हो, आपको लगता हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, ये हर खिलाड़ी जानता है कि वो किस लेवल का खिलाड़ी है, तो अगर आप टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी हो तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन करने चाहिए। क्योंकि आप समझ लीजिए कि हमारी आबादी 140 करोड़ है, लेदर बॉल से ज़्यादा खेलने वालों की संख्या है टेनिस बॉल की, तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी इसमें आएंगे, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो हमको ऑफिशियली पता चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तभी उन्होंने 20 दिसंबर की जो डेट थी उसको बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है, क्योंकि अभी भी खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है टेनिस बॉल की तभी आप जाए, नहीं तो आपका ये भी पैसा बर्बाद होगा प्लस आने जाने का भी पैसा बर्बाद होगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आपके अंदर लगता है कि आपके पास एबिलिटी है तभी आप ये जाए, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, क्योंकि टेनिस बॉल खिलाड़ियों के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, ये पहली बार उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो उम्मीद है जो आपके जितने भी डाउट्स थे वो हमने क्लियर कर दिया है। आपके पास अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, आप पूछिए, उसमें रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर करने लायक नहीं है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, ज़रूर जुड़े। और हाँ, जितने भी फेक वीडियो चल रहे हैं BCCI की, ये BCCI करा रहे हैं, उस पर ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि आप भ्रमित ना करें, ये BCCI नहीं करा रहा है, लेकिन BCCI के लोग जुड़े हुए हैं। BCCI के लोगों का जुड़ा हुआ होने का मतलब ये नहीं है कि ये BCCI करा।